वो राजघाट में भी महात्मा गांधी के सामने भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नीतीश कुमार के सद्बुद्धि दे, और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमागिया पल मने एक तरह से दिवालियापन हो गया है उनका दिमाग का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं, इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करने को सोचा है। बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के पास, और बता दें कि बिहार विधानमंडल के अंदर शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की, महिलाओं को लेकर जो आपत्तिजनक समर्थकों का उपयोग किया, जिसको लेकर हम पार्टी यानी जीतनराम पार्टी के लोग और जीतनराम मांझी खुद यहाँ पे जो पटना हाई कोर्ट के पास जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है वहाँ पहुँचे हुए हैं, मल्यार्पण करने पहुंचे हुए हैं, और मल्यार्पण करने के बाद मौन सत्याग्रह करने पहुंचे हुए थे, लेकिन हालांकि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद देख सकते हैं कि बाहर ही जीतनराम मांझी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हैं, और जीतनराम मांझी के पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और बीजेपी के भी कई कार्यकर्ता नेता यहाँ मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद गेट पर ही मल्यार्पण कर के और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और जीतनराम मांझी, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखें। और लोकतंत्र में लोक लज्जा, उसके बावजूद आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर मांझी जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर बल्यार्पण करने आए थे, मौन धारण करने आए थे, इसको नहीं करने देना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जीतनराम मांझी जी को पूर्ण समर्थन करती है, और जो अपमान इनका हुआ है उस अपमान का बदला बिहार की जनता लेने का काम करेगी। अपशब्द और शर्मनाक बातें कही विधानसभा में वो आप लोग जानते हैं, और फिर दूसरी बात हमारे ऐसे शेड्यूल कास्ट के नेता जो नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़ा है, राजनीतिक जीवन भी उनसे लंबी है, और कह सकते हैं कि क्वालिफिकेशन उन्होंने 68-69 में प्राप्त किया, और जीतन मांझी 66 में डिग्री ऑनर्स के साथ आया है। कहने का मतलब कि कम से कम विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े कोई भी हो, सभी माननीय सदस्य हुआ करते हैं, उनके प्रति आदर सूचक शब्द निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने तुम तलांग की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री हैं, और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इनको कोई इसको कोई अकल नहीं है, तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके मुखारविंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। और जीतन मांझी क्या बोल रहा था, हाँ लोग कहते हैं हमारे और भाजपा के बड़े नेता बोलेंगे कि जो आरक्षण संबंधी बिल लाया और कोटा बढ़ाने की बिल लाया एडमिशन में भी, हम लोग सब एक मत से उसको पारित किया, समर्थन दिया।
तो फिर उसमें विरोध की कौन बातें आती है। सिर्फ हमने ये कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर जब संविधान लागू करने की बात हुई और आरक्षण देने की बात हुई तो उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों में समीक्षा होनी चाहिए। हुजूर आप 18 वर्ष व्यतीत कर दिए, आपके छोटे बड़े भाई भी 15 वर्ष मुख्यमंत्री में रहे, आखिर क्यों नहीं इसका समीक्षा हुआ। और हम बताते हैं कि 16% कोटा हमको होना चाहिए था, अगर आज जांच किया जाएगा तो वो 7 या 8% से ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात हमने बोला कि यहाँ के जो पदाधिकारी हमारे शेड्यूल कास्ट के हैं उनके लिए 1971 में ही रोस्टर लागू है, और रोस्टर लागू होने के उपरांत 16% प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आज हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पदाधिकारियों की गिनती अगर की जाए तो 3.7% उनका प्रतिनिधित्व है। एक एक शताब्दी में पूरा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको ये बताइए और इसकी समीक्षा कीजिए, इसके लिए आयोग बनाइए और कोई कार्यक्रम अपनाइए। इतने ही कहने पर वो भड़क गए कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया, अब भाजपा को धोखा दे करके अब आप राजद में आए हैं, राजद ने मुख्यमंत्री बनाया, आप कहाँ मुख्यमंत्री बने हैं। आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बन कर करके आज सत्ता में हैं। और जीतन मांझी को आप अपना स्वभाव से नहीं बनाया था, आप समझा था कि जीतन मांझी अनुसूचित जाति में भुइयां मुसहर का लोग है, अब भुइयां मुसहर लोग बहुत सीधा होता है, हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा। क्योंकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू होने लगा कि आप इस्तीफा दो इस्तीफा दो, तो इस्तीफा न दे करके एक ऐसे मुलायम आदमी को बनाने का कोशिश किया कि जो वो कहें वो करें, और 2 महीना तक सचमुच में हमने किया। बाद में आप ही लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चलता है, तो फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्द होने लगा। बहुत सारी बातें किया है वो आपके सामने है, और आज बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में अपना माला पहना करके और हम लोग रिकॉन्साइल करना चाहते थे कि बाबा हम लोग क्या करें, नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दें, और आज ताला नहीं खोला गया, विधानसभा में भी बोलने का मौका नहीं दिया, और आज यहाँ पर बाबा का मूर्ति पर माल्यार्पण करने से भी रोका गया। इतना जघन्य अपराध हम समझते हैं कि बिहार के दलित पिछड़ा वर्ग के लोग महिला लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, और ऐसा ये न किए हैं तो हम लोग छठ के बाद दिल्ली के जो हम राजधानी है वो राजघाट में भी महात्मा गांधी के सामने भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे, और लोगों से कहेंगे कि ऐसे आदमी जो दिमागिया पल मने एक तरह से दिवालियापन हो गया है उनका दिमाग का, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई हक नहीं। इसके लिए भी जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी हम लोग करने को सोचा है, हमें यही कहना है। मंत्री जी कि जो खुद अपनी लज्जा बचाने के लिए इनके नाम पर अपने लज्जा को छुपाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, आज सदन में अपने हृदय की बात को प्रकट करके सामंत शाही प्रवृत्ति का ये वंशवादी जमींदारी मानसिकता को झलकाते हैं। ये घमंडिया मानसिकता के लोग बिहार में शासन करने के योग्य नहीं है, मानसिक रूप से बीमार लोग अब सत्ता में रहेंगे तो बिहार की बर्बादी होगी। नीतीश कुमार शब्दों का इस्तेमाल किया था मांझी जी के लिए, उनको उनको क्षमा मांगना चाहिए, इनको बोलने देना चाहिए, लेकिन बार बार आग्रह करने के बाद न क्षमा मांगे नहीं बोले, और आज उनका घमंड सामंतशाही प्रवृत्ति झलकता है कि यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर के निकट बैठने नहीं देना उनके अंदर की हृदय के भावनाओं को प्रकट करता है कि एक कैसे वंशवादी जमींदारी सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग बिहार में खुलकर संविधान और संवैधानिक पद का अपमान करते हैं। तो अभी हमने देखा जीतन राम मांझी और उनके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और भी जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए थे
भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के पास मौन सत्याग्रह करने के लिए हालांकि प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने और जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे साथ।